वेलकम टू सैयद्स किचन। आज हम बना रहे हैं रगड़ा पेटीज। स्ट्रीट स्टाइल चाट रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने मटर लिए है, वाइट मटर है ये सूखे हुए, जिसको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था। 2 से 3 दफ़ा इनको धोकर इनको हमने सोक कर लिया है। अब जिस पानी में हमने इसको सोक किया है उसी पानी के अंदर हम इनको बॉईल करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है जिसके अंदर हम इन मटर को ऐड कर देंगे। मटर के साथ हम इसमें कुछ आलू काट कर ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको हमने कट कर लिया है, और हम इन आलुओं को भी अंदर ही ऐड कर देंगे। आलूओं के साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी भी साथ ही ऐड कर दी है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 4 से 5 विसल होने तक कुक करेंगे। अब हम मटर को चेक करेंगे। हमारे मटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। इसमें से थोड़े से मटर हम अलग निकाल लेंगे और बाकी मटर को आलू के साथ हम मैश कर लेंगे। तो देखिए रगड़े की कंसिस्टेंसी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। बस हमने इसको इतना ही मैश किया है। अब जो मटर हमने अलग निकाल कर रखे थे उनको हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा करने से जब हम रगड़े की बाइट लेंगे तो इसमें कुछ मटर जो है वो साबुत रहेंगे और थोड़ा रगड़ा रहेगा। तो रगड़ा आप पहले भी बना कर रख सकते हैं। हम इसको शाम को बनाने वाले हैं तो हमने रगड़ा सुबह ही बना कर रेडी कर लिया है। आप इसको रगड़े को एक दिन पहले भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और जब आपको रगड़ा पेटीज बनानी हो तब आप इसका बघार प्रिपेयर कर ले। तो अब रगड़े का बघार प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसके अंदर हमने ऑयल को गर्म कर इसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है। 1/2 टीस्पून के करीब हींग डाली है हमने। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें राई ऐड करेंगे और थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और राई और ज़ीरा स्प्लटर होने तक हम इसको हीट अप करेंगे। ये देखिए राई और ज़ीरा हमारा बहुत अच्छे से स्प्लटर हो गया है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जिंजर और गार्लिक के साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो बारीक कट कर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम रेड चिली का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी इसकी तिखास होगी वो ग्रीन चिली से ही आएगी। तो आप इसको अब अपने हिसाब से ऐड कर लें। जितना आपको इसको तेज़ करना है उस हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर लें। लेकिन इसकी तिखास जब ग्रीन चिली से आएगी तो रगड़ा बिल्कुल जो स्ट्रीट्स पर मिलता है वैसा ही बनेगा। इन सारी चीज़ों को कुछ देर सॉटे करने के बाद इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले कुछ यूँ हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून के करीब ही चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। नमक आप बिल्कुल ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि रगड़े के अंदर जब आपने बॉयल करने में भी नमक ऐड किया था, तो अगर आपको लगे कि नमक कम है तो ऐड करिए, वरना आप नमक स्किप कर सकते हैं। इन मसालों को भी थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें अपना रगड़ा ऐड कर देंगे। ये देखिए रगड़ा तो बनकर रेडी हो गया है। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी का हमको चाहिए, लेकिन हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे। ऐसा करने से रगड़े के जो फ्लेवर्स है वो आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे और रगड़ा बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। अब चले टिक्की बनाते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ आलू ले रहे हैं। इनको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था और इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। इसके अंदर हम कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ऐड करेंगे। तो 2 ब्रेड की स्लाइस ली है जिसको हमने पानी में सोक कर लिया था। जब ये कम्प्लीटली सोक हो गई तो हमने इसका पानी कम्प्लीटली निचोड़ लिया है। इसके बाद हम इन स्लाइसिस को ब्रेड के आलू के अंदर ऐड कर देंगे।
इसके साथ इसमें कुछ मसाले जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना, ढेर सारा धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चिली हमने कुतर ली है। साथ ही भुना कुटा जीरा है, हींग, चाट मसाला, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा भुना कुटा जीरा है। सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए मैश कर लेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मैश हो जाएगी, इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का डालेंगे। तड़का डालने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसके अंदर हम ज़ीरा, राय और कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। इसको हम तड़का कर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ते को डालने से पहले हमने कड़ी पत्ते के थोड़े से पीसेस कर लिए थे, उसके बाद हमने इसको ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब दोबारा से आलू को तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। हाथ गीला करके या हाथ पे थोड़ा सा ऑयल मर के इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ हम इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल दरमियानी या मीडियम साइज़ की या थोड़ी सी छोटी बनाएंगे। टिक्कियाँ बन जाने के बाद एक तवे को हम हीट अप करेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और अपनी टिक्कियों को हम फ्राई करेंगे। टिक्कियों को हम थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची बाहर से हो ऐसे फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से हम इनको पलटा कर फ्राई कर लेंगे। पहले एक तरफ को करेंगे तो उसके बाद उसकी दूसरी तरफ को करेंगे। थोड़ी सी हमको क्रंची टिक्कियाँ पसंद है तो हम इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जब हमारी टिक्कियाँ हो जाएगी उसके बाद हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज, टमाटर, धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ली है। प्याज देखें हमने ऐसी कट की है क्योंकि रगड़ा पेटीज में ऐसी वाली प्याज यूज़ होती है। हमने यहाँ पर थोड़ी सी सेव ली है, ग्रीन चटनी ली है, समोसे वाली रेड चटनी ली है, आप चाहे तो इमली की चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको डिश आउट करेंगे। सबसे पहले हम रगड़े की लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर टिक्कियाँ रख देंगे, उसके बाद एक और लेयर रगड़े की लगा कर इसके ऊपर हम आप जिस तरीके से आपको चटनी जैसी पसंद हो वैसी डालकर ढेर सारा धनिया, ढेर सारी प्याज और चटनियाँ डालकर इसको गरम गरम सर्व करें। तो ये हमारी बहुत बढ़िया सी, बहुत यम्मी सी रगड़ा पेटीज बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल स्ट्रीट्स पर जैसी अवेलेबल है वैसी बनाई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा किसी और नई यूनिक स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सईद्स किचन।